हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था, जो हम लोग चाहते थे वैसा ही होता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन आगे सिचुएशन बदल जाती है इसी बात का हमेशा डर रहता है। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपसे दो बातें करना चाहता हूँ, दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेसिकली आपसे। पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मैंने बताया था इससे पहले, मैं आपको थोड़ा समरी दे देता हूँ कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रिलायंस फ्यूचर डील में इतना जो डिले हो रहा है, इतनी सारी जो प्रोसीडिंग चलाई जा रही हैं, इन प्रोसीडिंग्स की वजह से जो डिले हो रहा है, उन डिले की वजह से लॉस हो रहा है फ्यूचर ग्रुप का। सरकार का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, रिलायंस का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, अमेज़ॉन का कुछ नहीं जा रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट का कुछ नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन फ्यूचर ग्रुप का बहुत कुछ जा रहा है। 30 सालों की जो बनाई हुई मेहनत है, सब कुछ पर डे, पर सेकेंड्स, पर मिनट्स में बर्बाद हो रही हैं। तो इसी बर्बादी को रोकने के लिए, इसी डिटेरियोरेशन प्रोसेस को रोकने के लिए फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हाथ पैर चला रहे हैं ताकि कोई उनकी बात को सुने और किसी भी तरीके से रिलायंस और फ्यूचर के डील को होने दिया जाए, ताकि किशोर बियानी की बनाई हुई 30 सालों की मेहनत पानी में ना डूबे, बच जाए। COVID-19 ने बर्बाद किया तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती है चाइना की, तो चाइना से तो कोई नहीं पंगा ले सकता। चलिए, खैर दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने अप्रोच किया था किशोर बियानी जी ने, कि जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं अमेज़ॉन के खिलाफ, अमेज़ॉन और फ्यूचर के बीच में, वो प्रोसीडिंग्स बंद कर दी जाएँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है और होपफुली आने वाले टाइम में जो है अमेज़ॉन का जो अप्रूवल था, अमेज़ॉन को जो दिया गया था 2019 में फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की हिस्सेदारी पाने के लिए, वो रिवोक होता हुआ दिखाई हमें देगा। इसकी पूरी पूरी संभावना है किशोर बियानी जी को, शायद इसी उम्मीद के साथ ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कल 5th of January 2022 को कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, सिंगल जज के द्वारा जो है फ्यूचर ग्रुप के इस प्ली को डिसमिस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और ये एक सेटबैक था फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज़ के लिए, किशोर बियानी के लिए, पूरे फ्यूचर ग्रुप के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये है दोस्तों कि एक डिविजनल बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जो सिंगल जज बेंच थे, थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा उनकी प्रायोरिटी ऊपर होती है, इनके पास थोड़ी पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॉन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग चलाई जाने लग रही हैं सिंगापुर ट्रिब्यूनल के अंदर, उसको स्टे लगा दिया है। यानी जो सिंगल जज बेंच की तरफ से जो अभी डिसमिस की बातें करी जा रही थी, उसको भी स्टे लगा दिया, और आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, उसको भी यहाँ पे स्टे लगा दिया, यानी उसके ऊपर रोक लगा दिया है। अब देखिए, डीएन पटेल और ये हमेशा से फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ही बातें करते रहते हैं, और एक इससे पहले जस्टिस जेआर मिधा करके थे, ये हमेशा फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट बातें करते थे, हमेशा। ये डीएन पटेल, जस्टिस डीएन पटेल और ज्योति सिंह का ये पैनल था बेसिकली, इससे पहले एक बार लड़ाई थी आपको शुरू में याद हो, अगर आप पहले से मेरी वीडियोस को देखते हो, क्योंकि मैंने आपको इनका नाम बार बार लेते हुए बताया है। तो जस्टिस डीएन पटेल और ज्योति सिंह का पैनल इस बार मुझे नहीं पता, लेकिन जस्टिस डीएन पटेल इसमें ज़रूर थे, और इन्होंने फ्यूचर ग्रुप के फेवर में जो है ये फैसला दिया है कि जो सिंगल जज बेंच है उसको रोका जाए, वो गलत है अपनी जगह, उसके ऊपर स्टे लगना चाहिए, और जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं उन, वो भी रोक दी जानी चाहिए।
अब देखिए आगे क्या डेवलपमेंट होता है ये तो समय बताएगा, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी वैसे वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे लार्जर बेंच ऑफ हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो प्राइमा फेसी केस है वो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में है, यानी ये जो केस है इसका सबसे जो पहला रूप है, जो सबसे पहला पहलू देखा जाएगा वो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में ही आकर के खड़ा होता है। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो अच्छी बात है, एक खबर मिली, थोड़ा सा दिल को सुकून मिला, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी इस चीज़ को सोच करके सुन करके कि सारे के सारे केसेस को टालते चले जा रहे हैं, इधर के उधर कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी इस तरफ, मतलब नुकसान हो रहा है फ्यूचर ग्रुप का। तो बहरहाल दोस्तों हाई कोर्ट ने यहाँ पे एग्री कर लिया है कि जो 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 मेरिट्स इसमें हैं, इस तरीके की ऑर्डर्स में, डिटेल्स में, इसके ऊपर फिर से 1 फरवरी को यहाँ पे बताया जा रहा है, सुना जाएगा। देखिए लिखा है, द हाई कोर्ट हैज़ एग्रीड टू हियर द अपील ऑन मेरिट्स इन डिटेल ऑन 1 फरवरी एंड इन द मीन टाइम द कोर्ट हैज़ स्टेड द फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज वेल एज द सिंगल जज ऑर्डर दैट डिसमिस्ड फ्यूचर ग्रुप प्ली। चलिए खैर, आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये मामला क्या है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कॉन्टेंट समझ में आया हो, सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगे। मिस मत करिएगा, हर अपडेट को आप सुना करिए, समझा करिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि कोई चीज़ मिस ना हो। और आपको कोई कमेंट बॉक्स में सजेशन देना है, कोई कमेंट करना है, कुछ बताना है, कमेंट बॉक्स में हिंट कर सकते हैं। टेक केयर।